हेलो फ्रेंड्स, सबका दिन मंगलमय हो। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन दो प्याज़ा। उसके लिए मैंने लिया हुआ है आधा किलो गोट मीट है। अब इसमें डालने के लिए हमने लिया है 400 ग्राम प्याज है। इसको मैंने ऐसे चॉप किया, थोड़ा लंबा लंबा ही चॉप किया है और इसको मैं लगभग रफली तीन हिस्सों में डिवाइड करूँगी। तीनों एक एक हिस्सा अलग अलग समय पे डालेंगे। साथ में है ये लहसुन है, हरी मिर्च है, 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट है और साबुत मसालों में है दालचीनी, तेजपत्ता, जावित्री, इसमें काली मिर्च है, लवंग है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये जायफल और इनको इसको मैंने हल्का सा कूट दिया था। अभी थोड़ा हल्का कूट देना है सारा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। और मसालों में लिया है हमने मीट मसाला है, गरम मसाला है, एक पिंच हल्दी है, लाल मिर्च है, कश्मीरी मिर्च है। थोड़ी कश्मीरी मिर्च हम बाद में भी यूज़ करेंगे। अब हमने कुकर चढ़ा देना है और उसमें मैं डालूँगी लगभग आधा कप तेल। अब एक प्याज डाल के देखा है, गरम हो गया है तेल। मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, सनफ्लावर ऑयल, आप मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा आँच कम करेंगे, साबुत मसाले डालने जा रहे हैं। साबुत मसाला डालते ही हमें प्याज डाल देना है। साबुत मसाला डालेंगे और थोड़ा सा जीरा, और 1/3 प्याज डालेंगे। इसको हमें थोड़ा लाइट पिंक होने तक भूनना है। लगभग 2 मिनट लगते हैं, हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, मेन टाइम जो बाकी 2/3 प्याज पड़ा हुआ था उसमें से लगभग 1/3 या उससे भी थोड़ा कम हम मिक्सी में एक बार बस आधा मिनट के लिए चर्न करके या क्रश करके तैयार रखेंगे। इसको चलाते रहिए, नहीं तो नीचे से जिंजर पकड़ने के चांस रहते हैं। अब हम डाल देंगे मटन और इसको 4-5 मिनट तक भुनेंगे। हमारा मटन भुन चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे क्रश्ड वाला प्याज। एकदम बारीक नहीं करना है इसको, इसको भी थोड़ी देर भूनेंगे। हमने मटन को 5 मिनट भून लिया है, इसमें 2/3 प्याज पड़ गया है। अब हम डालेंगे गरम मसाला, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, मीट मसाला और 1 पिंच हल्दी,
और थोड़ी काली मिर्च आगे डालेंगे। इसको धीमी आंच पे वन बाई फोर्थ टीस्पून काली मिर्च, और हम डाल देंगे बाकी जो हमारा दाल बचा हुआ था, और इसको ढक करके 8-10 मिनट तक पकने देंगे। बीच में एक आध बार चेक कर लेंगे। मैं बताना भूल गई थी, अभी कुकर बंद करने के पहले हमें ये जो गार्लिक क्लोव्स लिए थे वो और ये हरी मिर्च डाल के फिर कुकर बंद करना है। लीजिए, हमारा मटन दो प्याज़ा तैयार है। इसको धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे और आधे चम्मच घी में कश्मीरी लाल मिर्च डाल के ऊपर से तड़का दे देंगे। घी ज़्यादा गर्म नहीं करना है,